नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25, 26, 27 और 28 दिसंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। छठवीं राशि लेते हैं, कन्या राशि। 25 दिसंबर का दिन आपके लिए एक अलग प्रकार का दिन रहेगा। इस दिन धन को लेकर के आप ऐसी समस्याओं से दो चार होंगे जिन्हें प्रायः आप अपने जीवन में नहीं पाते थे, यानी धन का विनिमय कैसे करें और नियोजन कैसे करें, इसे सरल करता हूँ, धन का प्रबंधन कैसे करें और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके बारे में आपके मन में काफ़ी सारे विचार आएंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो भी ऐसे विचार आपके मन में जरूर आएंगे। धन को लेकर के आपके द्वारा सोचे गए प्लान्स, जो आप सोच रहे हैं, आप जो प्लान बना रहे हैं, वही ये तय करेंगे कि फ्यूचर में कितना धन आपके पास होगा। इसलिए अपने विचारों के ऊपर ज़रा फोकस करें और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करें और नेगेटिव थिंकिंग ना करें। अगर धन आपके पास अभी नहीं है तो फ्यूचर में जो धन आपके पास आएगा या वर्तमान में जो कम धन आपके पास है, उस धन का प्रबंधन कैसे करें, इस पर ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इस पर आप चिंतन करके प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि धन की आवक उत्तरोत्तर उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। 27 दिसंबर के दिन आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आप कुछ गलतियां करेंगे। आपके द्वारा की जा रही गलतियां एक्सेप्टेबल हैं, आपको गलतियां करनी चाहिए। आपने पिछले कुछ समय से गलतियां करना बंद कर रखा था, जिसकी वजह से आप जहां हैं वहीं पर जम गए हैं। आपको वहां से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, गलतियों से सीख करके आगे निकलने की ज़रूरत है। अगर आप किसी लक्ष्य को बनाते हैं कि आपको ये लक्ष्य हासिल करना है, तो यकीन मानिए एक साल के अंदर आप उन्हें हासिल जरूर कर लेंगे। 27 दिसंबर ऊर्जा का दिन रहेगा। इस दिन आपका मन बहुत ही फ्रेश रहेगा, बहुत ही नए विचार आपको हिट करेंगे। इसके अलावा आप उन विचारों को सीक्रेट रखने के बारे में भी बहुत गंभीर रहेंगे। आपका मन एक बार भी करेगा कि आप सभी लोगों को जा करके बताएं कि आपने क्या सोचा है, लेकिन तुरंत ही आपका मन ये कहेगा कि नहीं, अभी इसे सीक्रेट रखना चाहिए। सीक्रेसी जितनी ज़्यादा इस दिन आप रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने थॉट्स को नोट करें और सीक्रेटली उन पर काम करें, जब तक कि आपका प्रारूप दूसरे लोगों को बताने के लायक नहीं हो जाता। 27 दिसंबर को आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते थे तो उसे कर पाएंगे। 27 दिसंबर के दिन अगर आप किसी व्यक्ति की मदद से कोई काम शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया है। 28 दिसंबर को आप पक्ष विपक्ष में से किसी एक को चुन पाएंगे। आपको सही चुनना चाहिए। अब जो सही है, सही का मतलब ये नहीं है कि जो नैतिक है या बिल्कुल ही मोरल के और हो जाता है। सही का मतलब है कि वो बुरा है या अच्छा है, दोनों में से आपके लिए क्या सही है। अगर कोई बुरी चीज़ आपके लिए सही है तो वो आपके लिए सही है, और कोई अच्छी चीज़ आपके लिए सही है तो भी सही है। इसका मतलब हुआ कि जो सही है उसे चुनिएगा। अगर कुछ बुरी चीज़ें सही हैं, उन बुरी चीज़ों का चुनाव करना सही है आपके लिए, तो आप बुरी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। तो आप बुरी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं 28 दिसंबर को। आपको अपने मन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखने की ज़रूरत है। हालांकि इस दिन आपका माइंड बहुत ही क्लियर रहेगा भी, लेकिन फिर भी इस दिन ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का अपमान आपसे ना हो किसी भी प्रकार से। अगर आप महिला हैं तो भी दूसरी महिलाओं का अपमान नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इन सब के अलावा अगर आप पढ़ने में, कुछ अध्ययन करने में अपने समय को स्पेंड करते हैं 28 दिसंबर को, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और जब ज़रूरत पड़े कि आप कोई डिसीज़न दें, तो आपका डिसीजन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ही न्याय संगत होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए चारों दिन बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और बिल्कुल ऐसे ही व्यापार के लिए भी चारों दिन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 25, 26, 27 और 28 दिसंबर के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।